हेलो एवरीवन, मैं हेमा, मेरी इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। सो आज हम पढ़ेंगे द क्रॉस हॉपर एंड द एंट्स की स्टोरी। वंस देयर लिव्ड अ ग्लेजी क्रॉस हॉपर, मतलब एक ग्लेजी मतलब होता है आलसी क्रॉस हॉपर रहता था। ही डिडंट लाइक टू वर्क, उसको काम करना बिल्कुल ही पसंद नहीं था। ऑल डे लॉन्ग ही सॉन्ग सिंग एंड प्ले इन द वार्म सनशाइन, तो वो क्या करता था कि ऑल डे दिन भर सॉन्ग बोलता रहता था धूप में, है ना। हे हे लुक एट मी, आई एम हैप्पी एज कैन बी, तो खुद पर बहुत मतलब हंसता रहता था, बहुत खुश रहता था। द क्रॉस हॉपर लाफ्ड एट द हार्ड वर्कर आंट्स एज दे वर्क डे नाइट, तो वो जो क्रॉस हॉपर था वो आंट पर हंसता रहता था क्योंकि वो रात दिन मेहनत करती रहती थी। हार्ड वर्कर का मतलब होता है मेहनती, है ना। वी आर स्टोरिंग ग्रेन फॉर द लॉन्ग विंटर अहेड, रिप्लाइड दे रिप्लाइड, तो जो आंट्स थी उन्होंने बोला कि हम लोग विंटर के लिए जो खाना है वो स्टोर कर रहे हैं, है ना। द लेजी क्रॉस हॉपर ओनली लाफ्ड लाउडर, जो लेजी क्रॉस हॉपर था और जोर से हंसने लगा। समर एंडेड द कोल्ड विंटर अराइव, तो जो धूप काला था तो वो ख़त्म हो गया, अब ठंडी के दिन आ गए, है ना। द ब्रो विंड स्ट्रॉन्ग एंड द स्टार्टेड सेलिंग, जो विंड थी हवा थी बहुत ज़्यादा चलने लगी, है ना। ग्रास हॉपर नाउ बिगेन टू वरी, देर इज नो फूड टू ईट, नो ग्रास एंड नो फ्लावर और लीव्स, तो उसके उसको खाने के लिए ना ही ग्रास था, ना ही कुछ फूड था, है ना, ना ही फ्लावर्स एंड लीव्स थे, है ना, पत्ते भी नहीं थे खाने के लिए। आई कांट सी इवन द टाइनीज फ्लाई और वर्म्स, कुछ कीड़े भी नहीं थे खाने के लिए, है ना, कीड़े मकोड़े जो होते हैं। वॉट विल आई डू, तो उसको लगा अब मैं क्या करूँ। आई विल श्योरली स्टव, तो स्टव का मतलब होता है यहाँ पे भूखा, अब मैं भूखा रह जाऊँगा। ही क्राइड लेट मी मेट माई काइंड नेबर्स द आंट्स, तो उसको लगा कि मैं अब क्या करता हूँ, मेरे दयालु पड़ोसियों को मिलता हूँ। वो कौन थे, आंट्स थे, है ना, चीटिया। द क्रॉस हॉपर रिमेंबर्ड हाउ टू हार्ड वर्कर एंड आंट्स हैड स्टोर्ड अवे ग्रेन फॉर द विंटर, उसने देखा था, उसको रिमेंबर मतलब याद आया कि वो लोग कैसे दिन रात मेहनत करते थे बाय विंटर के लिए, है ना, विंटर को, विंटर में खाना जो स्टोर था वो खाने के लिए, है ना। ही नॉक्ड एट हर डोर, उसने क्या किया कि उनका डोर नॉक किया, उनका डोर खटखटाया, है ना। डियर आंट्स आई एम हंग्री एंड कोल्ड, आई हैव नथिंग टू ईट, उसने बोला कि मैं बहुत भूखा हूँ और ठंड भी लग रही है, मुझे खाने के लिए कुछ भी नहीं है, है ना। प्लीज़ कैन यू गिव मी सम फूड, क्या तुम मुझे थोड़ा सा कुछ खाने के लिए दे सकते हो। द आंट शुक इन एंगर, तो वो बहुत गुस्सा हो गए एंट, है ना। लेजी वन व्हाट वर यू डूइंग ऑल समर, तो उन्होंने बोला कि तुम पूरे समर में क्या करते रहे, है ना। यू वर ओनली सिंगिंग एंड डांसिंग, यू शुड हैव थॉट ऑफ कोल्ड विंटर मंथ्स अहेड, गो अवे, तो उन्होंने बोला कि तुम्हें सोचना चाहिए था कि अभी विंटर डेज मंथ जो है वो सामने है, है ना, जाओ यहाँ से। शी स्टप्ड हर डोर शाउट, तो स्टप्ड का मतलब होता है पटक देना, उसने जो डोर था वो झट से पटक दिया, बंद कर दिया। द लेजी ग्रास हॉपर वॉज लेफ्ट एज हंग्री एज बिफोर, जो लेजी ग्रास हॉपर था वो हंग्री रह गया, है ना। तो देखिए, हमें कभी भी किसी पे हंसना नहीं चाहिए और आगे की सोच कर ही हमें कुछ काम करने चाहिए, है ना। देखिए, हम लोग कुछ न्यू वर्ड्स पढ़ लेते हैं। हार्ड वर्कर का मतलब होता है बहुत मेहनती, अराइव मतलब होता है आना, है ना, स्टव का मतलब होता है भूखा और स्पम का मतलब होता है पटक देना, है ना। तो देखिए आगे हम लोग कुछ रीडिंग फन करते हैं। हाउ डिड द क्रॉस हॉपर स्पेंड हिज डेज, तो आंसर में लिखेंगे हम लोग द क्रॉस हॉपर स्पेंड हिज डे सिंगिंग एंड प्लेइंग द सनशाइन, है ना। वो दिन भर क्या करता रहता था, गाना बजाने करता था, है ना। डिड द क्रॉस हॉपर फाइंड फूड इन विंटर, नो द क्रॉस हॉपर डिड नॉट फाइंड
इनटू द विंटर फूड जो था वो कभी फाइंड नहीं करके रखता था, है ना। व्हाट डिड द एंट्स टेल द ग्रासहॉपर व्हेन ही आस्क्ड द फूड, जो एंट्स थी वो ग्रासहॉपर को क्या कहा उन्होंने फूड के बारे में, है ना। व्हेन ही ग्रासहॉपर आस्क्ड द एंट फॉर फूड ही सेड यू वर लेजी सिंगिंग एंड डांसिंग ऑल समर यू शुड हैव द थॉट एंड विंटर मंथ्स अहेड, तुम्हें सोचना चाहिए था कि विंटर सीजन आ रहा है अभी, तो तुम दिन रात सिर्फ सिंगिंग में रहते थे, है ना। तुमने कभी सोचा नहीं कि फूड भी जमा करना चाहिए विंटर के लिए, है ना। तो देखिए आगे हम पढ़ते हैं, देखिए यहाँ पे लेट्स टॉक करना है। इफ़ यू वर आस्क्ड टू स्टोर्स थिंग्स फॉर द विंटर व्हाट यू वुड यू स्टोर, नेम एनी थ्री थिंग्स, आपको विंटर सीजन में क्या चाहिए, आप क्या क्या स्टोर करते हैं आपको यहाँ पे लिखना है, है ना। आप करते होंगे स्टोर स्वेटर मफलर्स या फिर कुछ और खाने की चीज़ें जो हमें ठंड ना लगे उससे, है ना। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। विच सीजन डू यू लाइक टू द बेस्ट, मुझे तो विंटर सीजन ही बहुत पसंद है। आई लाइक टू विंटर सीजन टू द बेस्ट, आपको जो पसंद हो आप वो लिख सकते हैं यहाँ पे। टेल द क्लास टू द स्टोरी एंड द ग्रास हॉपर एंड द एंट्स इन योर लैंग्वेज, आपको क्या करना है यहाँ पे ग्रास हॉपर और एंट की स्टोरी यहाँ पे अपने लैंग्वेज में अपने क्लास में बना के बतानी है, है ना। देखिए आगे पढ़ते हैं हम लोग। वर्ड बिल्डिंग करते हैं, सर्कल द वर्ड्स दैट मीन द सेम, तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि जो जो सेम है वो यहाँ पे सर्कल करते जाना है। स्पीक, है ना, और यहाँ पे आएगा टॉक, मतलब बोलना होता है, कंप्लीट मतलब होता है पूरा फिनिश करना, है ना। और यहाँ पे आता है लिटिल और आएगा स्मॉल। नेक्स्ट है सिक और इल, मतलब बीमार पड़ जाना। यहाँ पे आएगा और लार्ज और बिग, है ना, बड़े। तो देखिए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। देखिए इसमें द वे वर्ड्स When you have winter and summer, what are the words that come to your mind? Write those words in the bubbles. तो आपको क्या करना है इसमें विंटर और सीजन को क्या लगता है उसको लिखते जाना है। देखिए मैंने लिखा है यहाँ पे विंटर में हमें क्या क्या लगता है, स्वेटर, स्नो, कोल्ड, स्कार्फ, क्रिसमस भी आता है। तो आप लोग कंप्लीट कीजिए इसको, आपको लोग भी लिख सकते हैं इसमें क्या क्या लगता है आपको, है ना। सॉक्स भी लगते होंगे या फिर ब्लैंकेट भी लिख सकते हैं आप, है ना, और हॉट वाटर भी लिख सकते हैं जो आपको पसंद हो, आप लोग इसमें बबल्स में लिखिए। और देखिए समर सीजन में क्या लगता है, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, वैकेशन भी आता है समर में, कूलर एंड कॉटन क्लोथ्स भी लगते हैं, जो आपको लगता हो आप लोग लिख सकते हैं, जैसे कि फ़ैन लगता है, कैप भी लगती है हमें, अम्ब्रेला भी लग सकता है, है ना। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं और आप लोग भी अपने टेक्स्ट बुक में कंप्लीट कीजिए। यहाँ पे देखिए लेट्स राइट करना है, राइट द नंबर और गिवन इन द बॉक्स, पिक अप द लेटर्स अंडर ईच नंबर्स एंड रिप्लेस द नंबर्स बाय राइटिंग इट इन द ब्लैंक्स, है ना। आपको क्या करना है जो ब्लॉक्स है इसमें लिखते जाना है। देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया है, आप लोग भी कंप्लीट कीजिए। जैसे कि द क्रॉस हॉपर लिखा है मैंने, तो 24 को क्या आएगा ये देखिए नीचे 24 लिखा है यहाँ पे, तो 24 में आया है जी, है ना, 15 में आया आर और आया है देखिए 3 में आया है ए। तो आप ये इस जो बॉक्स है इसमें से देख के ये लिख सकते हो, है ना। ये देखिए मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया है, अगर आप लोग भी अपने टेक्स्ट बुक में कंप्लीट करेंगे तो अच्छा होगा, है ना। सो कंप्लीट कीजिए आप लोग भी मेरे साथ अच्छे से, है ना। देखिए आगे अंडर पिक्चर और सेंटेंसेस डिस्क्राइब विच ईच पर्सन एनिमल्स इज डूइंग अंडर पिक्चर बी राइट, है ना। तो आपको क्या करना है यहाँ पे ए के जो पिक्चर है वो लिख के दिया है, तो आपको क्या करना है बी के आपको लिखते जाना है। अ लेडी इज साइकिलिंग, तो वो जो लेडी है यहाँ पे साइकिलिंग कर रही है ना, तो मैंने लिखा है द लेडी इज कटिंग ग्रास। तो नेक्स्ट लिख के लिखा है मैंने द गर्ल आर सिपिंग, है ना, तो वो जो बच्चिया है वो दोरी खेल रही है ना। द मैन इज स्लीपिंग, जो मैन है वो सो रहा है। द डॉग इज ईटिंग, जो डॉग है वो खाना खा रहा है, देखिए मैंने लिखा है, आप लोग भी कंप्लीट कीजिए अपने बुक में।
देखिए नेक्स्ट लेस प्रैक्टिस करनी है, जो कर्सिव राइटिंग है आप इसको कंप्लीट कीजिए और चलिए प्रैक्टिस कीजिए। सो हो गया ये हमारा चैप्टर कंप्लीट। आपको ये चैप्टर कैसे लगा आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने जो टेलीग्राम की लिंक है वो अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।